हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। कॉलेज सिस्टम की सीरीज अभी चल रही है। कॉलेज सिस्टम लास्ट वीडियो मैंने पहले वीडियो लास्ट टाइम आपको दे दिया है। आज हम कॉलेज सिस्टम में डीप में और भी आगे बढ़ेंगे। कॉलेज सिस्टम वाइट से बहुत स्ट्रांग लाइन है, वाइट की ओपनिंग है। डीप होल लाइन से हम शुरू करते हैं। डिटेल में पूरी सीरीज आप देख लीजिए तो पूरा कॉलेज सिस्टम आपके कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ चेंजेस देखो, D5 जो C5 पहले किया है, देखो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लैक चाहे E6 करे या नाइट F6 करे या C5 करे, मूव ऑर्डर चेंज होके आपके ही कॉलेज सिस्टम के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले अगर ब्लैक C5 किया तब भी आपको E3 करना है। पॉन को ध्यान रखिए, सेंटर पे D4 का पॉन होना जरूरी है, तो हम इसे कैप्चर नहीं करते, उसे E3 से सपोर्ट करना जरूरी है। ब्लैक रिप्लाई देगा E6, यहाँ पे बिशप D3, नाइट F6, देन कैसल, नाइट C6 और B3। अब ये हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर आ गया। बिशप D6 ये भी रेगुलर मूव है, BB2 ये हमारी क्लासिकल मूव है, कैसलिंग और नाइट E5। यहाँ पे जरूरी है क्वीन C7। उसके बाद हम F4 करते हैं, ब्लैक नाइट E4 करता है, बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप, उसके बाद नाइट C3। ब्लैक ने अगर C टेक्स D4 किया तो यहाँ पे आपको नाइट B5 करना है, क्वीन B8 और नाइट टेक्स बिशप। उसके बाद ये गेम आपकी फेवर में रहेगी बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, देखो छोटी छोटी मिस्टेक आपको नोट डाउन करनी है ब्लैक की। यहाँ पे नाइट E5 में क्वीन C7 के बदले अर्ली नाइट E4 अगर ब्लैक ने कर दिया तो यहाँ पे व्हाइट एक सिंपल पॉन प्लस हो जाएगा ओपनिंग में ही। तो कैसे प्लस होते हैं? यहाँ पे आपको करना है बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप, पॉन टेक्स पॉन, पहले नाइट इंटू C6, बी इंटू C6, फिर पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन, आफ्टर क्वीन G4। अब यहाँ पे व्हाइट सेंटर का पॉन प्लस हो रहा है क्योंकि डबल अटैक है G7 पे, चेकमेट की थ्रेट, जिसे बचाना बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पे E4 पॉन हैंगिंग है। तो छोटी मिस्टेक आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासिकल वेरिएशन में दोस्तों, जो मेरे वीडियो में आपको जो भी सीखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि क्लासिकल में नाइट E5 के बाद नाइट E4 क्यों गलत है। बहुत सारी गेम्स मैं खेल चुका हूँ, मैं खुद ये गलती पकड़ नहीं पा रहा था पहले। कई लोग नाइट E4 कर देते थे, फिर मैं यहाँ पे रूटिंग मूव करता था। पहले मैं क्या करता था, नाइट E4 के बाद F4 और रूटिंग कंटिन्यूस करता रहता था, लेकिन ये नाइट E4 गलती है, मिस्टेक है, वो मुझे बाद में पता चला और उसके बाद मैंने गेम को चेंज कर दिया और बहुत सारी गेम यहाँ से विन हो गया। तो यहाँ पे एक ही भूल, ये एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपको पॉन बिशप टेक्स E4 मार के पॉन मिल जाएगा। आफ्टर पॉन टेक्स यहाँ पे आपको ये नाइट क्लियरेंस करना है बिशप का रास्ता, इसीलिए नाइट टेक्स नाइट पहले, सारे फोर्स मूव होंगे पॉन टेक्स पॉन में भी बिशप टेक्स पॉन, और आफ्टर क्वीन G4 यू कैन विन सिंपली अ पॉन। तो ये एक छोटी मिस्टेक। अब देखिए दोस्तों, नया चैप्टर कॉलेज सिस्टम में ब्लैक डिले कैसलिंग। अगर ब्लैक कैसलिंग डिले करता है, रूटिंग में कैसलिंग जल्दी कर देना चाहिए, अगर ब्लैक ने कैसलिंग डिले किया तो क्या करना है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक डिले कैसलिंग, D4 D5, नाइट F3, E3 E6, बिशप D3, BD6, कैसलिंग। व्हाइट का कैसलिंग हो चुका है क्लासिकल वेरिएशन में। C5 ये नेचुरल मूव है, यहाँ पे हमें खेलना होता है B3 क्योंकि C4 स्टॉप करना जरूरी है, नाइट C6, BB2, और यहाँ पे जनरली कैसलिंग होना चाहिए। तो एक मूव, ओनली एक मूव का फर्क होता है। देखो क्वीन C7 ब्लैक, एक एक मूव कितना वैल्यूएबल है। क्वीन C7 के बदले कैसलिंग होना जरूरी है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि आफ्टर C4 ब्लैक खेलेगा कैसल, एक मूव पीछे कैसल किया, क्या फर्क होता है। देखो बेटर था पहले कैसलिंग,
पर पहले क्वीन सी सेवन व्हाइट खेलेगा सी फोर और कैसल। इतने स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक पजल की तरह आप इसे ले लीजिए। मान लो कि व्हाइट टू प्लेन भी, तो इतने मूव्स के बाद आप क्या सोचोगे? वीडियो पॉज करके खुद के मूव्स ढूंढ दिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे। पॉन टेक्स पॉन, पहले लाइन क्लियर हो रही है बिशप की एफ सिक्स पे। बिशप और क्वीन दोनों नाइट को सपोर्ट से हट गए। बिशप टेक्स पॉन जरूरी है, इसके बाद बिशप टेक्स नाइट, जी टेक्स बिशप फोर्स हो गया, अगेन पॉन टेक्स पॉन, फिर नाइट पे अटैक है तो पॉन टेक्स पॉन भी फोर्स हो गया और यहां पे आप बिशप टेक्स एच सेवन सेक्रीफाइस दोगे। किंग टेक्स बिशप के बाद क्वीन सी टू चेक, किंग गोज एनीवेयर, देन क्वीन टेक्स सी फाइव, आपने अपना पीस वापस भी ले लिया, ब्लैक के किंग को डिस्टर्ब भी कर दिया और सिंपल एक पॉन अप हो गए। इससे ज्यादा विनिंग के लिए कोई जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मूव ऑर्डर चेंज होके क्लासिकल वेरिएशन। यहाँ पे बी डी सिक्स सी फोर, कैसल ब्लैक ने डिले किया तो आपको तुरंत सी फोर करना है। और यहाँ पे कुछ चेंजिंग, मान लो कि ब्लैक ने कैसल नहीं किया और सेंटर में पॉन एक्सचेंज किए, पॉन टेक्स पॉन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? बेस्ट चॉइस है पॉन टेक्स पॉन, नॉट बिशप टेक्स पॉन। ये ध्यान रखो, डी फाइव पे आपका कंट्रोल जरूरी है, वरना नाइट डी फाइव आएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। उसके बाद दूसरा पॉन सेंटर का एक्सचेंज पॉन टेक्स पॉन, दोनों पॉन से मारने का है। यहाँ पे बी ई सेवन, बी ई सेवन क्यों जरूरी है? नेक्स्ट टारगेट है डी फाइव, देन बिशप टेक्स एफ सिक्स और कैसलिंग साइड ब्रेक करने का, इसीलिए ब्लैक बी ई सेवन करेगा। यहाँ पे आपको खेलना है नाइट सी थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट बी फोर, आपके बिशप पे अटैक, काउंटर अटैक में आपको करना है नाइट बी फाइव। क्वीन डी एट बेस्ट चॉइस है, उसके बाद आपको एक मूव वेट करना है। स्ट्रॉन्ग बिशप हो गया आपका, लाइट स्क्वायर बिशप और पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे मैं सजेशन दूंगा आपको बिशप बी वन जाने का। ब्लैक रिप्लाई देगा कैसलिंग और यहाँ पे आपको करना है ए थ्री, नाइट को रिटर्न करना है नाइट सी सिक्स और उसके बाद क्वीन सी टू। ये पोजीशन से वाइट को बहुत ही मजा आएगा खेलने का। आइडिया है एक्सरे अटैक और डी फाइव करके बिशप टेक्स नाइट और क्वीन चेक में, तो ब्लैक के लिए बेस्ट चॉइस होगा जी सिक्स। यहाँ पे आपको खेलना है रुक डी वन, अब ब्लैक रिप्लाई देगा ए सिक्स, नाइट सी थ्री, देन नाइट ए फाइव। यहाँ पे आपका जो बिशप है, अब देखो बिशप जो इस डायगोनल में है कोई काम नहीं करेगा, तो वाइट के लिए बिशप ए टू बहुत ही बेस्ट मूव होगा। इस पोजीशन से आप खेल के देखिए, बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। पोलो सिस्टम में एक ये भी प्लान होता है कि ब्लैक डिले कैसल करता है तो कैसे कैसे खेला जाता है। ओके, यहाँ पे एक और भी मैं बताता हूँ आफ्टर सी फोर। देखिए सी फोर पे बहुत सारे गेम्स हो चुके हैं, इसलिए सभी पॉसिबल मूव्स हमें देखना है। सी फोर, यहाँ पे हमने देखा कि ब्लैक डिले कैसल करता है, इस टाइम पे कैसल करता है तो आपको क्या करना है? पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स नाइट, बिशप सेक्रीफाइस एंड क्वीन इनटू बिशप, ये आपको मैंने बताया। उससे डिफरेंट मूव में ब्लैक अगर यहाँ पे पॉन एक्सचेंज करता है तो क्या करना है वो भी हमने देख लिया। इसी पोजीशन में ब्लैक अगर सी इंटू डी फोर एक्सचेंज करता है, मान लो कि सी इंटू डी फोर एक्सचेंज करता है, तो यहाँ क्या करना होगा आपको? पॉन टेक्स पॉन करना है, ब्लैक रिप्लाई देगा कैसलिंग, आफ्टर कैसल यहाँ पे आपको खेलना है नाइट सी थ्री। अब देखो ए सिक्स जरूरी है यहाँ पे, वरना नाइट बी फाइव बहुत डेंजर आता है, हमने देख लिया है। तो ए सिक्स के रिप्लाई में आपको करना है सी फाइव। ब्लैक के पास बेस्ट चॉइस है बिशप ई सेवन, हालांकि अगर ब्लैक बिशप एफ फोर करता है तो क्या करोगे आप? बिशप एफ फोर में आपको नाइट ए फाइव करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या खेलना है? जी थ्री और बिशप को गलत जगह पे भेज देना है एच सिक्स पे और उसके बाद नाइट ए फोर। अब यहाँ पे आइडिया है नाइट टू बी सिक्स और बहुत ही जबरदस्त आपका नाइट आउटपोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी मैं दूंगा, बहुत सारे कंटिन्यूस
सभी वेरिएशन आप मेरे वीडियो में सीख लोगे कॉलेज सिस्टम के। तो वीडियो नंबर 2 हो गया आज कंप्लीट, वीडियो नंबर 3 आपको जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, जय गुजरात।